सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से यार। टुडे में आज हम डिस्कस करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन आधे परसेंट की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 102 रुपए 22 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक के अंदर 44 डेज का मूविंग एवरेज लगाएगा, आप देख सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर मूविंग एवरेज प्राइस निकल कर आ रहा है स्टॉक का, वो 106 रुपीज आ रहेगा, पर स्टॉक उस प्राइस से नीचे है। दूसरी बात, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड में आएगा, यानी स्टॉक ऊपरी लेवल पर काफी गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहेगा, पर स्टॉक थोड़े टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहेगा। लगभग अगर हम नीचे में सपोर्ट लेवल देखें तो स्टॉक के अंदर 98 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में एक सपोर्ट लेवल जनरेट हो चुका है। स्टॉक इस प्राइस के पास तो आता है, पर स्टॉक में यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिल रही है। अब इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक अपने 44 डेज के मूविंग प्राइस से ऊपर आकर क्लोजिंग देगा, यानी स्टॉक अगर 106 रुपीज से ऊपर आकर क्लोजिंग बनाता है तो वहां पर स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपर के टारगेट अराउंड 120 रुपए के लिए आप इस स्टॉक के अंदर बने रह सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 120 रुपए के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बनाने में सफल होता है, पर जब तक स्टॉक 120 रुपए से नीचे है स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और स्टॉक एक रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड कर सकता है।